नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इंपोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, आज की वीडियो में जैसा टाइटल थंबनेल में देखा है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि रोजगार की जरूरत, एक नौकरी की जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कुछ भी बोलने लगता है तो हम उसके बहकावे में आके पैसे खर्च कर देते हैं, और ऐसा रियल में होता नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूं कि ऑनलाइन फ्रॉड ऐसे बहुत सारे होते हैं जो हमें बहुत बड़ा सपना दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी देखें, या आप लोग जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हो जाए। और लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ है, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी कि आप लोगों को अवेयर जरूर करूं। तो ऐसे कौन से फ्रॉड हैं जो होते हैं या आपके साथ हो सकते हैं? सबसे पहले एक होता है कि घर बैठे काम करें। ऐसा काम आपको बताया जाता है कि घर बैठे आपको काम करना है, और आपको डाटा एंट्री का काम करना है, या आपको कुछ फॉर्म भरने का काम करना है, और इसके बदले आपसे वो पैसे लेते हैं। तो साथियों ध्यान रखें, जहां भी पैसे लिए जाते हैं तो वो काम फ्रॉड होता है। ऐसा मैं आपको बताऊं, अगर मैं कोई मालिक हूं और मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करता हूं, तो मैं उसका टैलेंट देखूंगा। मैं उससे ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे पैसे दो, या मान के चलो किसी कंपनी में कोई काम करने जा रहा है तो उससे कोई पैसे नहीं मांगेगा वहां पे कि भाई इंटरव्यू लेने के बाद बोले कि भाई अब तुझे 5,000 रुपए लेके आने तब हम कंपनी में आपको काम देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रॉड होता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ भी हुआ है कि उन्हें काम दिया गया कि आप घर बैठे 15,000 से 20,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं, और इसके बाद आपको ये करना है, और आपको सिर्फ 5,000 रुपए जमा करने हैं, इसके बाद हम आपको सामान भेजेंगे और फिर आपका काम शुरू हो जाएगा। तो वहां से कॉल आती है तो लोग क्या करते हैं, 5,000 रुपए, जैसे बेरोजगार लोग होते हैं और जिनको रोजगार की तलाश होती है, तो उन्हें लगता है कि 5,000 रुपए हम किसी से उधार लेके जब हमारी सैलरी आनी शुरू हो जाएगी तो हम उन्हें वापस दे देंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे उनसे आप बच के रहें, ऐसा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके बाद एक होता है कि कोई ऐप पे आपको काम बताया जाता है कि आप इस ऐप पे काम करें और घर बैठे लाखों रुपए कमाएं, तो ऐसा भी मोस्टली फ्रॉड होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, ऐप वगैरह होती है, इनमें ये होता है कि आपका जो डेटा होता है ना वो लीक हो जाता है। जो डेटा होता है, अगर वो आपसे पैसे भी नहीं ले रहे तो आपका डेटा लीक हो जाता है, और खासतौर पर अगर आप अकाउंट, जो आपका अकाउंट है उसकी अगर आप अपनी डिटेल दे देते हैं, और तो उससे क्या है कि वो आपका पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे चक्रों में बिल्कुल ना आए, ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि नौकरी के लिए पैसे लोग दे देते हैं और बाद में फिर कुछ नहीं होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो नौकरी है, आप किसी कंपनी में जाएं, कहीं भी जाएं, या कोई जेन्युइन चीज है वहां पे आप देखें, या कोई ऐप भी है तो आप प्ले स्टोर पे देखें कि हाँ वो, फिर लोगों के रिव्यूज भी देखें कि ऐसा क्या है। देखो, एक दो लोग गलत बोल सकते हैं, अगर कोई रियल में ही गलत चीज है तो उसके बारे में बहुत सारे लोग गलत बोलेंगे, और जब बहुत सारे लोग गलत बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस चीज में गलती है। तो आप ऐसी चीजों पे जरूर ध्यान दें कि सही क्या है, गलत क्या है, और ऐसे लोगों के झांसे में ना आए जो आपसे पैसे लेके नौकरी लगवा रहे हैं। और खासतौर पर ये भी चल रहे हैं आजकल कि जॉब दिलवाने वाले कुछ साइट्स वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, आपसे 2,000 रुपए 3,000 रुपए ले लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं कि आपकी नौकरी लगवा देंगे। वहां पे आप टर्म्स कंडीशन अगर पढ़ने बैठ गए तो वो लोग बोलते हैं कि 100% लगवा देंगे, लेकिन उसमें उनका प्रोसेस ये होता है कि हम आपको सिर्फ इंटरव्यू कराएंगे, हम आपसे इंटरव्यू के लिए पैसे ले रहे हैं और फिर आपको घुमाते रहेंगे, बाद में आप खुद बैठ जाएंगे और आपसे साइन भी करा लेंगे, क्योंकि जो उनके एग्रीमेंट होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, जो टर्म्स और कंडीशन होती है वो कोई पढ़ता नहीं जल्दी से। हम सिर्फ क्या करते हैं, उनकी जो बातों पर ही विश्वास करके करने लगते हैं। तो वहां पे क्या है कि उन साइन भी अगर हमसे करा ली तो वहां पे पूरा प्रोसेस होता है कि हमने सिर्फ इंटरव्यू के लिए इनसे पैसे लिए, ना कि जॉब के लिए इनसे पैसे लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपसे देखो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, ऐसी कोई भी चीजें हैं तो आप उन पे विश्वास ना करें। और जैसे न्यूज़पेपर में भी आता है कि इतने रुपए कमाए, घर बैठे ऐसा करें, कॉल सेंटर में जॉब है, वहां पे जॉब है, वहां पे जॉब है, तो पैसे दे के कोई जॉब यार नहीं होती। हाँ, कोई इंटरव्यू के नाम से आपसे 500-700 रुपए अगर ले रहा है, तो अगर कोई लेता भी तो सीधा आप ये बोलिए कि भाई मेरी जॉब लग जाए और आपका जो खर्चा है, यानी कि पैसे,
रिश्वत नहीं, आपका जो खर्चा है, आपने मेरे पीछे जो मेहनत करी है 500-700 रुपए में आपको बाद में दे दूंगा, जो भी आपका कुछ खर्चा लगा है जब मेरी सैलरी आ जाएगी, बस बात खत्म। तो यही है, इन चीजों से बचे। और एक ये भी चला था लॉकडाउन के बीच में, ऑनलाइन सर्टिफिकेट बना के दे रहे थे कि भाई ये लॉकडाउन में इसने इतना अच्छा काम किया है और इसमें इसका मतलब ये रैंक आई है, तो इसमें भी डेटा बहुत ज्यादा लीक हुआ है, हैक हुआ है। तो ऐसी चीजों से आप बच के रहें। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी ना एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये सही है बिल्कुल, हम इस चीज को जाने पहचाने उसमें हम विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आप बच के रहें। चलो यही बताना चाहता था, वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।